नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेवन डेज ऑफ रोमांस। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज गो एंड वॉच इट फर्स्ट। तो अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये उसका सेकेंड एंड लास्ट एपिसोड है। दरअसल इसमें सिर्फ 10 ही एपिसोड हैं जो कि मैंने 5-5 करके दोनों पार्ट्स में कवर कर दिए हैं, मतलब पूरा ड्रामा 2 पार्ट्स में एकदम फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे इसका सेकेंड सीजन भी है, अगर मुझे टाइम मिला तो वो भी आगे कंटिन्यू मैं कर सकती हूँ, बट उसके लिए कंडीशन चाहिए। सो सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है हमारी फीमेल लीड और हमारे मेल लीड से। इनमें ज़्यादा बातें तो हो नहीं रही थी बिकॉज डायोन ने वो सब कुछ सुन लिया था जो फ़ोन पर बोल रहा था, मतलब कुछ ऑकवर्ड सा। इसके बाद जंगू इसी में परेशान रहता है कि आखिर डायोन को हुआ क्या, बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। पर डायोन उसे कहाँ बताने वाली थी। इसके बाद जब गुस्सा होकर अपने रूम में बैठी होती है तो यहाँ पर उसकी दोनों जो ग्रुप मेट्स हैं वो भी बैठी होती हैं। और यहाँ पर एक और लड़की की बात करें तो उसका नाम है लूनी, जो कहीं ना कहीं ब्योल से हमेशा जलती रहती है क्योंकि ब्योल ग्रुप की मेन डांसर है। तो लूनी को हमेशा ऐसा लगता है कि उसे ज़्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए एंड प्रेजेंटली वो अभी भी उसे ज़्यादा फेमस चल रही है, बट उसे अभी ये बात कहाँ आज़म थी। यहाँ पर जब वो सभी बातें कर रही होती हैं तभी यहाँ पर ब्योल बताती है कि उसे पहले इस प्रोग्राम का ऑफर आया था बट उसने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड उसे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि इसका मेन लीड कांग वू होने वाला है, अगर ये होता तो वो कभी रिजेक्ट करती नहीं। वैसे यहाँ पर डायोन बैठे बैठे सारी बातें सुन रही थी, यानी कि सारी चिकनी चुपड़ी बातों को समझ भी रही थी पर वो ज़्यादा माइंड नहीं करती। अपनी दायों से पूछती है कि क्या कांग वो अकेला है, तभी वो कहती है कि हाँ वो अकेला है। इसके बाद लूनी भागकर कांग वो के पास जाती है। यहाँ पर वो किचन में सब कुछ देख रही होती है तभी वो देखती है कि मशरूम्स पड़े हैं। उसके बाद उसे याद आता है कि ब्योल को तो मशरूम से एलर्जी थी, मतलब उसे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती थी कि वो पूरा एक वीक सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट में ही लगा देती है। उनके चक्कर में उसे कभी कभी हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था, मतलब मशरूम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये बात उसे पता थी। और ये बात अभी वो याद ही कर रही थी तभी वो सोचती है कि अभी क्या ब्योल मशरूम्स काट रही थी, उसे टच करने पर भी एलर्जी होती है, पर छोड़ो भाई मुझे क्या करना। इसके बाद वो कांगबुक से चिकनी चुपड़ी बातें करती है पर कांगबुक उसकी सारी बातें समझ जाता है। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि ब्योल तुम्हारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी मेरे पास आकर, पर मैंने कहा कि नहीं कांगबुक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कांगबुक कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो करो, नहीं तो यहाँ से तुम जा सकती हो, मुझे तुम्हारी बेकार की बातें सुनने में ना ही कोई इंटरेस्ट है। इसके बाद वो लूनी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। लूनी का मुंह बंदरिया की तरह बन जाता है जो कितना चपड़ चपड़ कर रही थी। यहीं पे अपनी रियल वाले ब्योल को देखें, उसे तो कैफ़े के ओनर जीहान से प्यार हो ही जाता है। दरअसल जीहान एक तो हैंडसम है ही, इसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा काइंड भी है। वो ब्योल का हर तरह से ख्याल रखता है, वो उसके फियर से ओवरकम होने में भी उसकी हेल्प करता है। वो उसे कैमरा गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम इससे फ़ोटो क्लिक किया करो, क्या पता इसे तुम्हारे कैमरे का फियर चला जाए। इसके बाद ब्योल सेम ऐसा ही करती है एंड साथ साथ में वो मोस्टली जीहान की फ़ोटो खींचने लगती है। उसे काफ़ी इम्प्रेस थी इसलिए वो हमेशा जीहान के पास रहना चाहती थी एंड वो हमेशा उसकी बातें नोटिस करती थी। इसके बारे में काफ़ी सोचती है बट उसे ये लगता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी हो, बट इट्स ओके। लूनी का मुंह तो वैसे ही सड़ा हुआ बना हुआ। पर इसके बाद ये सभी लाइव आते हैं। यहाँ पर सारे कमेंट्स में बोल रहे थे क्या लूनी ये शो कर रही है, तभी लूनी बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे से बोलती है कि नहीं वो इस शो में नहीं है, ये शो तो ब्योल का है, वो बस उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर है। तभी सारे कमेंट्स आने लगते हैं कि लूनी को इसमें कांगू के साथ होना चाहिए, वो दोनों काफ़ी प्यारे कपल लगेंगे। एंड ये बात सुनकर तो लूनी का मुँह खिल जाता है। लूनी को लगता है कि वो अब ब्योल को ट्रिक करेगी क्योंकि ब्योल तो हमेशा आप एक्सप्रेशन लेस लेती है, तो वो यहाँ पर क्यूट वाला एक्सप्रेशन कैसे देगी। इसके बाद वो सभी से कहती है कि अभी ब्योल की बारी, वो आप सभी को क्यूट से एक्सप्रेशन देकर दिखाएगी। एंड इसके बाद दायूं सोचती है कि मैं ब्योल तो हूँ नहीं एंड मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मजाक चखाने का मौका ही अच्छा है। इसके बाद दायूं तो अपनी जगह है, वो यहाँ पर इतनी क्यूट एंड भयानक वाला एक्सप्रेशन देती है, मतलब क्यूट तो कम भयानक ज़्यादा होते हैं। बात कांग वो हंसने लगता है और वो कहता है कि ये सच में क्यूट ही था। यहाँ पर लूनी का मुंह तो बन जाता है, वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि ब्योल का मुंह तो हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता है, उसे तो कुछ करना ही नहीं आता एंड इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ब्योल उसे देख कर कहती है कि कैसा लगा मेरा मजाक, अच्छा था ना। और वो उससे कहती है कि देखो मैं तुमसे वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो यहाँ पर 2-फेस वाला गेम खेलना बंद कर दो, मैं भी तुम्हें अच्छे से जानती हूँ एंड कांगवू अच्छे से जानता था। अभी कांगवू उसे इस बात के लिए कन्फर्म करता है कि तुमने जब देखा था कि ब्योल को मशरूम्स नहीं पसंद तो तुमने मुझे वहीं पर टोका क्यों नहीं। तभी यहाँ पर लूनी कहती है कि नहीं उसने देखा ही नहीं, तभी कांगवू कहता है कि नहीं तुमने पक्का देखा था। इस पर लूनी कहती है कि वो भूल गई एंड इसके अलावा और क्या एक्सप्लेनेशन दे सकती थी, उसका मुँह वैसे ही बंद हो चुका था। यहीं पर हम अपनी ब्योल को देखें तो उसका दिल तो जीहान पर टोटली आ चुका था एंड वो जीहान को सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी थी। अब वो मन मन में सोच रही थी कैसे वो जीहान को ये बताए कि आई रियली लाइक यू।
इसके बाद दायोन एंड कांगू का अगला टास्क ओपन डेट होता है। यहाँ पर ओपन डेट तो होती नहीं है क्योंकि जब जहाँ पर ये लोग जाते हैं वहाँ पर फैंस की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है। दायोन सोचती है कि क्या ये ओपन डेट है, मुझे तो एकदम क्लोज्ड वैसे ही लग रही है। इसके बाद कांगू सभी फैंस को ऑटोग्राफ देने के लिए चला जाता है, तभी वो टॉक्सिक फैन हमारी फीमेल लीड के पास आती है, उससे ऑटोग्राफ मांगती है और इसके चक्कर में उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। ये बात कांगू नोटिस कर लेता है, उस फैन को भी नोटिस कर लेता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मुझे एकदम डर सा लगता है क्योंकि वो काफ़ी टॉक्सिक है, पता नहीं अपने आइडल को क्या समझती है। वो लड़की तो वहां से भाग जाती है लेकिन कांगू उस ड्रिंक को भी फेंक देता है। पता चल गया था कि इस ड्रिंक में कुछ तो चक्कर है, मतलब ये फैन इतना ज्यादा टॉक्सिक है वो अपने आइडल को किसी और लड़की के साथ देख ही नहीं सकता। मतलब किसी कैसे फैन है यार, बेचारे आइडल भी तो डेट कर सकते हैं बट इस लड़की को कौन समझाए। यहाँ पे कांगू को फिर से डर सा लगने लगता है। इसके बाद दायोन उसे लेकर बाहर जाती है और वो कहती है कि अभी क्या था, क्या तुम ठीक हो? तभी यहाँ पर कांगू कहता है कि एकदम ठीक है, उसे शूटिंग बीच में बंद करके बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी दायोन कहती है कि नहीं, उसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने पूछता कि तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज क्यों है। तभी दायोन उसे थोड़ा पूछने पर बता देती है कि उसने फ़ोन पर क्या क्या सुना। तभी कांगू उसे एक्सप्लेन करता है कि वो सब जो तुमने सुना वो सही नहीं था, मैं तो अपने फ्रेंड को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जो कुछ सब लोग कहते हैं वो है ही नहीं। प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया था उसका पहला कारण यही था कि तुम इस प्रोग्राम पर हो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था बट तुमसे कभी फेस टू फेस बात नहीं हुई एंड मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ एक प्रोग्राम क्या पता करने के बाद तुमसे सच में प्यार हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और ये बात जस्ट मैं अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहा था जो कि तुमने सुन लिया एंड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था यार, सब बात को समझ जाती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तभी 2 बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं तो इन दोनों को छुपना पड़ता है। जब ये दोनों छुप रहे होते हैं पेड़ के पीछे से 2 कपल्स को देख रहे होते हैं, तभी ये दोनों हाथ उड़ तो करे हुए थे एंड तभी कांगू दायोन को किस कर लेता है एंड दायोन भी बदले में उसे किस कर लेती है। मतलब इन दोनों ने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ही लिया। इसके बाद दोनों काफ़ी खुश होते हैं बट दायोन को अपने मन में ये डर भी सता रहा था कि जब मेरी आइडेंटिटी रिवील होगी तो कांगू मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट फॉरगेट यार, 7 डेज ऑफ रोमांस को मैं बर्बाद क्यों करूँ। यहीं पर हम बियोल को देखें तो वो भी जियान से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। ये आकर उससे पूछती है कि क्या तुम जियान को पसंद तो नहीं करने लगी बियोल? तभी बियोल कहती है कि मैं उसे पसंद क्यों करूँगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ये बात ऐसी है कि जियान को ज़्यादा काइंड है, तुम बस मैं उसे देख रही थी एंड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो थोड़ी ना सभी से प्यार हो जाता है, मैं तो बस देख ही रही थी, रियली ऐसा कुछ भी नहीं है। बियोल और जियान एक साथ ड्रिंक करते हैं एंड काफ़ी बातें करते हैं। यहाँ पर बियोल को भी पता चलता है कि जियान की एक हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड से उसका रिलेशनशिप 10 सालों तक चला बट अब वो टूट गया। इसके बाद 2 साल से जियान बिल्कुल अकेला है, उसने तो उस लड़की के साथ अपना फ्यूचर प्लान भी बना लिया था बट जब वो उसे दूर चली गई तो वो अब किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लाने से बहुत ज़्यादा डरने लगा है, इसलिए वो किसी को भी डेट नहीं किया। ये बात वियोल सीधा जाकर जियान से पूछ लेती, तभी जियान को तो झटका ही लग जाता है। वो कहता है कि इतनी सडनली ये सब चीज़ें, बोल कहती है कि वो क्यूरियस है बस इसीलिए पूछ रही थी। तभी वो कहती है कि क्या वो किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देखा? तभी जियान कहता है कि उसे डर है, क्या पता वो मुझे छोड़कर चला जाए, इसीलिए वो अभी इन सब चीज़ को रेजिस्ट करता है। तभी बियोल कहती है अगर वो वादा करे कि वो कभी नहीं जाएगा तो जियान कहता है कि तो बात बन सकती है एंड इतनी सी चीज़ बियोल के लिए काफ़ी थी। इसके बाद जियान बियोल की एक फ़ोटो क्लिक करता है एंड आज बियोल को पहली बार कैमरे से डर नहीं लगा, वो कैमरे में देख कर खुश होते हुए ऐसी फ़ोटो वहाँ पर क्लिक होती है। लेकिन एक फ़ोटो ने बवाल इंडस्ट्री में अभी मचाया हुआ था। दरअसल जब वो और दायोन किस कर रहे थे तो उनकी फ़ोटो एक फ़ोटोग्राफ़र ने खींच ली थी एंड उस विलन फ़ोटोग्राफ़र के पास वो फ़ोटो थी। इस वजह से बात करते हैं और कहते हैं कि कांगू के करियर को एकदम ख़त्म ही कर दो क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती की है, बट वो एक आइडल है, इतनी जल्दी थोड़ी अपनी पोजीशन से जाएगा, उसकी भी कोई रेपुटेशन है यार। ये बात एकदम जंगल की आग की तरह तो वैसे ही फैल चुकी थी कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। बियोल और जियान को देखें तो ये दोनों ड्रिंक करते करते वहीं बस हो जाते हैं। तभी आर्य आकर इन दोनों को जगाती है और बताती है कि आखिर आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या बवाल फैला हुआ है। और ये न्यूज़ जब बियोल देखती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है क्या पता दायोन को कोई टॉक्सिक फैन इसके चक्कर में हार्म कर दें। इसके बाद वो दायोन को ढूंढने के लिए भागती है, तभी वो देखती है कि हर जगह बियोल के पोस्टर लगे हैं, उस पर लिखा है कि आई किल यू, तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास हो, तुम मेरे आइडल के लिए परफेक्ट हो ही नहीं एंड ये सब हेट कमेंट्स पढ़ पढ़कर बियोल का एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी जियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन सब पोस्टर को हटा दूंगा एंड बी रिलैक्स, तुम्हें नीचे जाकर रिलैक्स करना चाहिए। टॉक्सिक फैन बियोल के पास आ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम बियोल हो? तभी बियोल रेजिस्ट करती है और कहती है कि नहीं वो नहीं है। कि उस टॉक्सिक फैन के पीछे भागती हुई आरी आती है और कहती है कि आज वो उसे पकड़ ही लगी और वो बियोल को बताती है कि लड़की बहुत ज़्यादा बकवास है, मैंने देखा ये मतलब एकदम टॉक्सिक वाली फ़ैन है।
ये किसी ना किसी को हार्म कर ही देगी। इसके बाद क्या था, वो भाग भगकर वो टॉक्सिक फैन ऊपर जाती है, तो यहाँ पर वो दायों से टकरा जाती है। दायों थोड़ी उसे छोड़ने वाली थी, वो भाग कर उसका पीछा करती है, उसे पकड़ कर नीचे पटक देती है। जब तक उस टॉक्सिक फैन को नहीं छूटती, जब तक सारा होटल मैनेजमेंट जमा नहीं हो जाता, तभी वहाँ पर की मैनेजर दायों से कहती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। तभी दायों कहती है कि नहीं, अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो फिर भाग जाएगी ना। तभी यहाँ पर कांगवुक भी आ जाता है और कहता है कि ये लड़की फैन तो हो ही नहीं सकती, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की हुई है, एंड ऐसे फैन थोड़ी होते हैं। तभी यहाँ सिंगिंग प्रोग्राम होता है। वो अपनी सिंगिंग स्टार्ट करने से पहले सबको बता देता है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे अपलोडेड है वो सब कुछ सही है, दरअसल वो ब्यूल को डेट कर रहा है एंड ब्यूल भी उसके साथ काफ़ी खुश है। इसके बाद वो ब्यूल को स्टेज पर ले आता है, इन दोनों काफ़ी प्यारा सा सॉन्ग सिंग करते हैं एंड ये सॉन्ग इन दोनों के लिए काफ़ी यादगार रहने वाला था। आफ्टर दैट हम ब्यूल को देखते हैं जो कि जीहान को प्रपोज करने वाली थी, बट पर उसकी हिम्मत नहीं होती। इसके बाद क्या था, वो इनडायरेक्टली जीहान को बताने लगती है, बट ये सब इतना आसान थोड़ी था। अगले दिन कांगवू और दायोन की शूटिंग स्टार्ट होती है, आज उन दोनों का आखिरी दिन था। जब ये दोनों साथ में एक साथ जा रहे होते हैं, तभी दायोन उसे कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद वो उसे बताती है कि जो हमने 7 दिन बिताए वो काफ़ी यादगार थे, बट मैं ये सब नहीं कर सकती। तो वो कैसे बताती है कि उसकी वजह मैं खुद हूँ, मेरी रेपुटेशन एंड मेरा करियर, इसकी वजह से मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना नहीं सकती। एंड हमारा रिलेशनशिप बस 7 दिनों का ही था एंड ये सब बस हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड ये कहते कहते बेचारे की आंखों से गंगा यमुना बहने लगती हैं, मतलब बेचारे को बुरा तो लगता है। इसके बाद वो कांगवू को छोड़ कर वहीं से चली जाती है। यहाँ पर मैनेजर उसे लेने के लिए आ जाता है एंड ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इन दोनों के बिछड़ने के फिक्स 1 महीने बाद ये न्यूज़ फैला दी जाती है कि ब्यूल और कांगवू का ब्रेकअप हो चुका है। 1 महीने के रिलेशनशिप के बाद अब उन दोनों का ब्रेकअप कंफर्म कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर दायोन अपने कैफ़े में काम कर रही थी एंड कभी कभी उसे कांगवू के सपने भी आने लगते हैं। यहाँ पर हम ब्यूल की बात करें, ब्यूल 1 महीने बाद जीहान से मिलने के लिए आती है। तभी वो जीहान से कहती है कि उसने उसका वेट किया। तभी जीहान कहता है कि हाँ, उसने ब्यूल का बेसब्री से वेट किया, मतलब वो भी ब्यूल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इसके बाद क्या था, इन दोनों का रिलेशनशिप तो चरम सीमा पर था ही। यहीं पर हम दायोन की बात करें तो जब वो गार्डन में बैठी होती है उसी प्लेस पर, तो यहाँ पर आकर कांगवू भी बैठ जाता है और वो कहता है कि मिस, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया एंड तुम चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता है। मैं माफ़ी मांगने की ज़रूरत तो है नहीं, बिकॉज माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग्स को तब समझ ही नहीं सका। मुझे लगा तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई, बट नो, तुम्हारी कुछ कंडीशन थी। इसके बाद वो ब्यूल से कहता है कि मैं अलग होने की कोई वजह रह नहीं गई है, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तभी इसके लिए दायोन फटाफट मान जाती है। एंड इसी के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ, मतलब पता नहीं कब मिलेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।